गरमा गरम पिले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया बर्फी समोसा समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा ले हलवा मोहन भोग मोहनदार कचौड़ी कचा का हलवा नरम चबा का घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचर ले ले बूरे का लड्डू ले जो खाए सो भी पछताए जो न खाए सो भी पछताए रेबड़ी कड़ा का पापड़ पड़ा का ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई जैसे कलकत्ते के वुल्सन मंदिर के भीतरी है वैसे अंधेर नगरी के हम सब समान ताजा खाजा खाजा ले खाजा टके से खाजा मेवाले मेवाले हाँ बादाम ले बादाम बादाम पिस्ता अखरोट ले आना बिहदाना मुनक्का किशमिश जनाब अंजीर लो आम जोश आलू बुखारा चील गोजा सेब नाशपाती एलो बिहदाना सरदा अंगूर का पिटारी आमरा मोलो कैसा जिसमें अंग्रेज का बिदा खट्टा हो गया नाक को रुपया खराब किया हिंदुस्तान का आदमी लागला हमारे यहाँ का आदमी घूमा घूमा लो सब मेवा टाके से ले धनिया मेथी सोवा पालक चैराई बथुआ करेमू नोनिया गुल्फा कसारी चना और सरसों का साग ले मरसा ले बैंगन लोवा कोहड़ा आलू अरई बंडा नेनुआ सूरन राम तोरई तोरई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा किरनी आम अमरुद नींबुआ मटर हो रहा अरे बाबू कुछ तो ले ले जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर ले ले बाबू चूरन 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 अरे चूरन अमल बेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पछलोना अरे चूरन बना मसालेदार मेरा चूरन जो कोई खाए हिंदू चूरन इसका नाम ये चूरन जब से हिंद में आया चूरन ऐसा हट्टा कट्टा अरे चूरन चला दाल की मंडी चूरन अमले सब जो खावे चूरन नाटक वाले खाते चूरन सभी महाजन खाते चूरन खाते लाला लोग चूरन खावे एडिटर जात अरे चूरन साहेब लोग जो खाते चूरन पुलिस वाले भी खाते ले चूरन का ढेर बेचा टके से ले मछली मछलिया एक टके के बिकाय लाख टकाले वाला जोबन ग्राहक सब ललचाय नैन मछलिया रूप जाल में देती ही फस जाए बिनु पानी मछली सो बिहरिया मिले बिना अकुलाय मछली ले मछली जात ले जात टके सेर जात बस एक टका दो हम अब भी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दे टके के वास्ते झूठ को सच करे टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे टके के वास्ते झूठी गवाही दे टके के वास्ते पाप को पुण्य माने टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे वैद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाई सब कुछ टके सेर सब कुछ टके सेर लुटाए दे अनमोल माल लेटके सेर आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर क्यों भी बनिए आटा कितने से टके सेर और चावल टके सेर और चीनी टके सेर और घी टके सेर है सब टके सेर सचमुच अरे हाँ महाराज क्या मैं झूठ बोलूंगा क्यों भाई भाजी कितने सेर बाबा जी टके सेर नींबुआ मुरई धनिया
धनिया मिर्चा साग कुछ भी लो 100% सेर। सब भाजी 100% सेर? हाँ सब कुछ 100% सेर। तो बड़ा आनंद है। यहाँ सब चीजें 100% सेर बिकती है। अरे भाई हलवाई मिठाई कितने सेर? रामा जी लड़वा हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब 100% सेर। सब 100% सेर आनंद ही आनंद। ओए बच्चा तू मुझसे मस्करी तो नहीं कर रहा? सचमुच क्या सब 100% सेर है? हाँ बाबा जी सब कुछ सब 100% सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज 100% सेर बिकती है। अच्छा इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। ये नगरी चौपट राजा 100% सेर भाजी 100% सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा 100% सेर भाजी 100% सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा 100% सेर भाजी 100% सेर खाजा। तुम बाबा जी कुछ लेना देना हो तो तोल दूं? हाँ हाँ बच्चा भिक्षा में आज 7 पैसे कराया हूँ। 3.5 सेर मिठाई बांध दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इसमें छक जाएंगे। तीसरा दृश्य स्थान जंगल। मानी और गोवर्धन दास जी आ रहे। अच्छा गोवर्धन। हाँ गुरुजी। कह तो भिक्षा क्या लाया भाई? इतनी गठरी तो बड़ी भारी मालूम होती है। पापा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ। अच्छा 3.5 सेर मिठाई। हाँ देखो देखो तो वाह 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 बच्चा भाई इतनी मिठाई कहाँ से ले आया? ऐसा कौन सा धर्मात्मा से तेरी मुलाकात हो गई? गुरु जी महाराज आज 7 पैसे भीख मिले थे। अच्छा मैं ये मिठाई वो लेकर आया हूँ। नारायण दास ने मुझसे कहा तो था लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया था। भाई यहाँ सब चीजें 100% सेर मिलती है? नहीं 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 मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बच्चे कौन सी नगरी है और भाई इसका राजा कौन है जहाँ 100% सेर बाजी और 100% सेर खाजा है? यही तो बात है, ये है अंधेर नगरी चौपट राजा 100% सेर बाजी 100% सेर खाजा। सच? नहीं 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 अपनी गठरी बांध ले हम यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे एक क्षण भी रुकना नहीं है समझे भाई। जहाँ 100% सेर भाजी और 100% सेर खाजा है। नहीं 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 बच्चा ये उचित नहीं है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे वास। कोकिला बायस एक सम पंडित मूर्ख एक। कोकिला बायस एक सम पंडित मूर्ख एक। इंद्रायन दारिम विषय जहान नेकू विवेकु। बस ये ऐसे देश नाही कनक वृष्टि जो होए रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। समझे? नहीं बच्चा गठरी उठा ले हम यहां से चलते। भाई अंधेर नगरी में 1,000 मन मिठाई मिले ना तो भी किस काम की, यहाँ एक क्षण रुकना नहीं अभी। गुरुजी गुरुजी ऐसे तो संसार मन में कोई देश नहीं है। अरे? 2 पैसा पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस जगह दिन भर मांगो तो भीख नहीं मिलती और पेट नहीं भरता। वचन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। मैं तो यही रहूंगा। अरे मैं कहता हूँ बाद में पछताएगा समझे। तू चल मेरे साथ। आपकी कृपा हुई ना तो कोई दुख ना होगा। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी यही रह जाइए। हाँ नहीं 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 मैं तो यहाँ एक क्षण नहीं रुकने वाला। भाई देख सुन ले मेरी बात नहीं तो फिर बाद में पछताएगा। मैं तो जा रहा हूँ। हाँ
पर इतना कह जाता हूं, अगर कभी संकट में हो तो हमारा स्मरण कर ले, हम जरूर आ जाएंगे। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका तो नित्य स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी एक बार कहता हूँ, आप भी यही रुक जाते। नहीं 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 भाई, मैं चला। श्री राम, जय राम, जय जय राम, नारायण नारायण। सौभद्र शत राज्यसभा। कौन कौन खाइए महाराज? क्या क्या? अरे चुनपन खाइए, चुनपन खाइए, अरे भागो भागो। नहीं नहीं महाराज, ये कहता है कि पान खाइए। लुच्चा बाजी, नाहक को डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। महाराज, इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न ये पुकारता। अच्छा, तो फिर तमोली को 200 कोड़े लगे। पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो शूर्पणखा के नाम से डरे हैं। शूर्पणखा को सजा हो। फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बार बार तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर, अरे शराब लाओ जल्दी, शराब जल्दी। लीजिए लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। और दो। दुहाई है दुहाई। कौन चिल्ला रहा है? पकड़ लाओ उसे जल्दी। लो ये लो सरकार। दुहाई है महाराज, दुहाई हो, हमारा न्याय होए। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। दीवार नहीं लाई जा सकती महाराज। अच्छा, तो उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना, अरे जो हो उसको पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चुने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी। बकरी क्यों मर गई? नहीं तो अब भी फांसी देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है महाराज, ये कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी महाराज। अच्छा, तो फिर इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, चुने वाले ने ऐसा पौधा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो फिर इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, उसको निकालो, उस चुने वाले को बुलाओ। क्यों बे, खैर सुपारी वाले चुने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, ही ने चूने में पानी ढेर दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया महाराज। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर इस चुनीनाल को निकालो, बिस्ती को पकड़ लाओ। यूं बे बिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, अरे इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? महाराज, गुलाब का कोई कसूर नहीं, ये कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो फिर कसाई को लाओ, बिस्ती को निकालो। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई और बकरी दबाई? महाराज, गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी बेंड मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, क्यों बे उक पौंडे के गडेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की गाड़ी जा रही थी, सो उसी को देखने में मैंने छोटी भेड़ बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है। अच्छा, तो फिर इसको निकालो, कोतवाल को अभी शरब मुहर पकड़ लाओ।
युवे कोतवाल, तेने ऐसी सवारी घूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच डाली जिससे बकरी गिरी और कल्लू बनिया दब कर मर गया। नहीं महाराज, महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। तो बड़ा कसम हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। ये नहीं कि तुमने ऐसे दूर से सवारी क्यों निकाली। आहा, ये नहीं कि तुमने ऐसे घूम के सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई। अरे महाराज, महाराज 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 कुछ नहीं, इस कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। पांचवा दृश्य, अरण्य, गोवर्धन दास जी आ रहे हैं। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वा पंडित तैसे, कुल मर जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, वैश्या चोरू एक समान, बकरी गाऊ एक करी जान, अंधा धुन मच्छा सब देसा, मानव रहे राजा भी देसा, जो गोद में श्रुति आदर नहीं होई, मानव नृपति धर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, हे नगरी अनभुज राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। अरे गुरु जी ने हमें ना क्या रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर हमारा क्या, हम किसी राजपाज में थोड़े ही हैं जो डर के रहे हैं। रोज मिठाई चबाते हैं और मजे में आनंद से राम भजन करते हैं। चलो बहुत मिठाई खा कर मिठाइया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। हैं जी, क्या आफत आई है? मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ती हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे, फांसी? अरे मैंने किसकी जमाल लूट ली? अरे मैंने किसके प्राण मार दिए जो मुझको फांसी देते हो? बड़े मोटे है इसके वास्ते फांसी होती है। मोटे होने की फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी नहीं करते फकीरों से? जब सूली चढ़ जाइएगा तब मालूम होगा कि हंसी है या सच। अब सीधी राह चलते हैं या घसीट कर ले चले? अरे बाबरा, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? भगवान क्या क्या जवाब दोगे? अरे भगवान को जवाब तो राजा देगा, हमें क्या मतलब है, हम तो बस हुक्मी बंदे हैं। तो फिर भी बात क्या है जो हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? अरे भैया बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ है। हाँ, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से आरज़ करी, इस पर हुक्म हुआ, अरे मोटा आदमी पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा चो होती है ना, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते कि मुकुतवाल के बदले तुम्हें फांसी दे। क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में नहीं मिला जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? इसमें दो ही बातें, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुठाता ही नहीं है, और किसी को पकड़े तो वो न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहरा है। और फिर इस राज में साधु महात्माओं की तो दुर्दशा ही है, इसलिए तुम्हें को फांसी देंगे। अरे दुआई दुआई परमेश्वर की दुआई, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, यहाँ तो
बड़ा अंधेर है। अरे अरे मेरे गुरु महाराज ने कहा था, मैंने उनका कहा नहीं माना, मुझे इसी का फल भोगना पड़ा है। गुरुजी गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? महाराज मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जा रहा हूँ, गुरुजी मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी गुरुजी। छठा दृश्य, स्थान शमशान, फांसी की जगह। हाय बाप रे, मैं कसुर को फांसी देते हूँ। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुमको क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। अरे चुप रह। राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना, अरे उसी का फल भोग रहा हूँ। अरे गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, मैंने उनकी सुनी नहीं। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और इसका नाम राजा है चौपट, तो वहां बचने की क्या आशा होगी? अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा भी नहीं है जो इस फकीर को आके बचाए। गुरुजी गुरुजी कहो। अरे मेरे गुरुजी आ गए, मेरे गुरुजी आ गए, मेरे आ गए गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये क्या हालत बना के रखी है? कैसे दशा है तेरी? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो ये लोग मुझे फांसी दे रहे हैं। क्या? देख, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यहाँ रहना उचित नहीं है। हा? कहा था कि नहीं? तो क्यों क्यों रहने लगे यहाँ पे? मैंने आपका कहा नहीं माना। हाँ? उसी का फल मिल रहा है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। मैं आपका सेवक हूँ गुरुजी, मुझे बचाओ, मेरे प्राण बचाओ गुरुजी। बचाते कुछ सोचते नारायण नारायण नारायण। तू ऐसा कर, चिंता मत, नारायण सब समर्थ है, वो संभाल लेंगे। अच्छा सिपाहियों जरा यहाँ आ जाओ। देखो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, हैं? तुम जरा तनिक किनारे हो जाओ, हैं? देखो मेरा कहना नहीं मानोगे तो भला ना होगा आपका, समझे? नहीं महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। हाँ यहाँ आ जाओ। फिर तो गुरु जी फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं बच्चा, तू कैसे फांसी चढ़ेगा? उम्र में तो मैं बना हूँ तुमसे, तो फांसी मुझे चढ़नी चाहिए। नहीं, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करते, सुन लो मेरी बात। अरे देखो सिपाही हो, अभी आप बताओ बूढ़ा कौन है? मैं हूँ, ये हूँ, ये क्यों आगे जाएगा? नहीं नहीं, फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान। अरे नहीं आप तो सिद्ध है। नहीं, आपकी गति और अगति से क्या मतलब? मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं कहता हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, फांसी तो हम चढ़ूंगा। अरे सुन लो तो मेरी बात, क्या क्या फांसी जा रहे हैं, फांसी कर रहे हैं, समझो मेरी बात। क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गबड़ा है। अरे सरकार मंत्री कोतवाल आ रहे हैं, ये क्या गोलमाल है? महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, क्या बात है? बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चल रहे हैं? नहीं नहीं राजा जी, वो क्या है ना, ये वक्त इतना सहित है कि अभी जो मरेगा ना वो सीधा वैकुंठ सिधारेगा। हाँ तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। अरे चुप रहो सब लोग। अरे राजा के होते हुए वैकुंठ कौन जा सकता है? अरे हमको ही फांसी चढ़ाओ, चलो जल्दी जल्दी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति सूजन समाज, ते ऐसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज।